मैम आज आप नई साड़ी पहन रखी हो? नहीं, पुरानी है। आगे सभी आगे। यस मैम। यस मैम। हमारा कौन सा चैप्टर है? वी नीड मैम। हाँ मैम से चैप्टर 5। वेरी गुड। और चैप्टर का नाम क्या है? वी नीड क्लॉथ। तो कल हमने क्या पढ़ा था? फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ फाइबर। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितने कितने टाइप्स होते हैं फाइबर के? टू। ठीक है। कौन कौन से? कौन कौन से? नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर। वेरी गुड। नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है? नेचुरल फाइबर में हमारी द्वारा बनाई हुई चीजें, कॉटन, वूल। देखो नेचुरल फाइबर में आता है कॉटन, वूल, सिल्क। ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर। क्या क्या है बताओ, बोलो। कॉटन, कॉटन, वूल एंड सिल्क। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर। और मैन मेड फाइबर में क्या आता है? क्या आता है? सिंथेटिक। क्या है? सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन। क्या है नायलॉन? नायलॉन क्या है? मैन मेड फाइबर है ना। मैन मेड फाइबर। हाँ चलो तो बेटा देखो स्टाइल्स ऑफ क्लोथ। देखो बेटा कपड़े हैं, क्लोथ है। क्लोथ किससे बनते हैं? बैम्बू से, कॉटन से, सिल्क से, है ना? से इनसे क्या बनता है? क्लोथ बनते हैं। क्लोथ तो देखो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथ। अब डिफरेंट टाइप के क्लोथ होते हैं डिफरेंट स्टाइल में। जैसे अभी आप कंट्रीज की देख लो, चाइना। चाइना में कैसे क्लोथ पहनते हैं? कैसे पहनते हैं चाइना में? देखा होगा ना कि चाइना में किस स्टाइल से उनकी स्टाइल, वैसे कपड़े से ही बनते हैं उनके क्लोथ। तो क्लोथ से ही बनते हैं, ठीक है, फाइबर से बनते हैं। लेकिन उनकी जो कपड़े की जो स्टाइल होती है ना, जो वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे ब्रिटेन में कैसे कपड़े पहनते हैं, इंडिया में कैसे पहनते हैं? आपके पास बुक होगी? बुक है क्या? नो मैम। किसी के पास है? जिसके पास है वो खोल के देखो बेटा। देखो ये दिख रहा है? ये दिख रही है आपको? दिख रही है? यस मैम। अब ये मैं ला लूं। ये पिक्चर देखो, देखो इसमें इसमें डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स है। कपड़े देखो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स है। ये देखो ये इधर है, ये देखो ये है जापान, ये चाइना की। ये जो पोस्टर बना ये क्या है? चाइना की। और इससे आगे वाली यस मैम मैंने देखी है। ये है ब्रिटेन की, ये स्कॉटलैंड की, और ये है जापान की। ठीक है। तो इनकी स्टाइल देखो, बना हुआ फाइबर से, क्लोथ तो फाइबर से बनते हैं, क्लोथ तो फाइबर से बनते हैं, लेकिन इनकी जो स्टाइल है डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथ, वो देखो डिफरेंट है ना। यस मैम। देखो यस मैम। अभी माँ अभी जैसे इंडिया में है, स्टेट के अकॉर्डिंग क्या पहने जाते हैं? क्लोथ पहने जाते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे राजस्थान में कैसे पहनते हैं? राजस्थान के लोग क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। औरतें क्या पहनती है? लहंगा, ओढ़नी, ऐसे कुछ पहनती है।
और पंजाबी, पंजाब में कैसे क्या पहनते हैं लोग, पंजाबियों को जान, पंजाब में क्या औरतें तो क्या पहनती है, सूट पहनती है ना, ठीक है। और बंगाली कैसे पहनते हैं, बंगाली कैसे पहनते हैं? हाँ सब देखो, ये देखो। और मराठी देखो, मराठी, मराठी ने क्या पहन रखा है देखो। कश्मीर में कैसे पहनते हैं कपड़े, यानी इन आवर कंट्री वी वेयर क्लोथ अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, कल्चर एंड ट्रेडिशनल पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस। अपने एरिया के अकॉर्डिंग क्या पहनते हैं, वो ड्रेस पहनते हैं। समझ गए, समझ गए। अब हम ऐसे कैसे पता चलता है कि ये क्या है, ये मराठी है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है ना, उनके रहन सहन से, उनके पहनावे से पता चलता है ना, उनके पहनावे से। अब अपन पंजाबी होता है, पंजाब, पंजाब में जो जेंट्स होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, लूंगी कुर्ता और वो एक साफा सा होता है, तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये पंजाबी है ना, तुरंत पहचानते हैं ना कि ये पंजाबी है। और मराठी, मराठी कैसे पहनते हैं, मराठी औरतें ये साड़ियां कैसे पहनती है, आप एक बार सबके बारे में गूगल पे सर्च करना तो उनकी ड्रेस से आ जाएगी, और आप देखना कि मराठी कैसे पहनते हैं और कश्मीरी को कैसे पहनते हैं, ठीक है। तो वो पिक्चर से आपको, और जिसके पास बुक है बुक में देख लो, बुक में देखो जिसके पास, किस किस के पास बुक है। मैम हमारे पास नहीं है, मेरे पास है, बुक तो लो बेटा, बुक तो जरूरी है, क्यों नहीं ले रहे आप बुक्स। मैम हमारे पास तो सब दिलाएंगे। हाँ तो बुक्स आप स्कूल से लो, स्कूल से लो बुक्स, लो बेटा आप, समझ गए। अब मैम हमारे पास तो कब के लिए आए थे। हाँ कोई बात, ठीक है, तो उसको खोल के रखो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखो बेटा, आवाज नहीं, मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज आ रही है। टिक का करेक्ट ऑप्शन देखो, करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर वन, वूलन क्लॉथ है और डी ऑप्शन है चाइल्ड। ठीक है, देखो ये फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। वूलन क्लॉथ, मैंने कल बताया था आपको, वूलन क्लॉथ हमें कैसे रखते हैं, हमें कूल रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन, लेदर इज यूज टू मेक, लेदर इज मेड, और लेदर इज यूज टू मेक, यूज लेदर हमें क्या बनाने में यूज होता है लेदर, तो इसमें देखो बुलेट, बी है
जैकेट जैकेट और बी है ऑल ऑफ दीज लेदर से हम क्या बनाते हैं क्या क्या बनता है लेदर से तो बोले शूज जैकेट ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज जाएगा ना क्यों लेदर से बनते हैं शूज शूज भी लेदर के बनते हैं जैकेट जैकेट भी बनती है लेदर की तो ये तो तीनों चीजें हैं जो लेदर से बन सकती है लेदर की होती है ठीक है लेदर गिनियारी ये सब लेदर से हम बना सकते हैं और बनती है ठीक है तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें क्या आएगा इसमें ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर थर्ड आवाज नहीं आ रही बेटा आवाज नहीं आ रही किसको नहीं आ रही मैम हमें तो आ रही है मोबाइल की आवाज वॉल्यूम बढ़ाओ कॉटन इज ऑबिडेंट फ्रॉम फ्रॉम ए है कॉटन हमें किससे मिलता है मलबरी ट्री मलबरी ट्री कॉटन प्लांट बी है कॉटन प्लांट ए कॉटन प्लांट ए कॉटन मैम कॉटन प्लांट वेरी गुड कॉटन प्लांट कॉटन प्लांट मैंगो मैंगो ट्री तो क्या होगा इसमें इसमें आएगा कॉटन बताया था ना मैंने कि कॉटन हमें कहाँ से मिलती है कॉटन फिर है वीवीआर सिल्क क्लॉथ वीवीआर सिल्क क्लॉथ वीवीआर सिल्क तो बताओ इन स्कूल बी है और स्पेशल स्पेशल ओकेजन 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 पहले कौन स्पेशल बी है वाइट स्विमिंग ऑन स्पेशल और फिर है नॉन ऑफ दीज इसका क्या होगा देखो बेटा वीवीएस सिल्क क्लॉथ सिल्क के कपड़े कब पहनते हो किसी ओकेजन पे पहनते स्कूल में पहन के आते हो सिल्क के यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना स्कूल में जब आप तैरते हो तो सिल्क के कपड़े पहनते हो नहीं पहनते ना तो इसमें आएगा स्पेशल ओकेजन ठीक है कोई शादी वगैरह में जाते हैं या पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अपन क्या पहनते हैं सिल्क के चमकीले कपड़े पहनते हैं ना शाइनिंग मारता है ना सिल्क यस मैम ठीक है यस मैम एक मिनट
क्वेश्चन नंबर 5 क्लोथ कॉटन थ्रेड वन टू मेक कॉटन से क्या क्या बन सकता है क्लॉथ बन सकते हैं यस मैम डोरमेट बन सकते हैं और लोग चीज यानी सभी चीजें बन सकती है क्लॉथ भी बन सकते हैं कर्टेन और डोरमेट भी बन सकता है तो इसमें करोगे ऑल ऑफ दीज क्या करोगे ऑल ऑफ दीज ये सभी बन सकते हैं ठीक है अब हम आगे देखते हैं कौन कर रहा है ये आवाज फिलिंग का ब्लैंक को आंसर देना हो तभी ऑन किया करो माइक को म्यूट रखो जब आंसर दे करोगे पीछे से बहुत आवाज आती है बहुत ज्यादा अब देखो बेटा फिल इन द ब्लैंक तो इसमें हमें बुक दे रखा है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर सिंथेटिक मलबरी लीव्स फर्स्ट जो है देखो सिल्क कीजिए लिख रही हूँ पहले फाइबर कवरिंग एक बार आना ऑफ सिल अराउंड धा एक घंटे में आ जाना तो
ball. Okay. It's called four है. Wool is a plant. Wool is a plant. Plant है? कौन बोल रहा है? To make woolen cloth. Pack woolen cloth. Woolen cloth. Silk for feed on. Feed on. बेटा ये है, इनको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है इनको. करो फिल. चलो फर्स्ट में पढ़ो इसको. सिल्क इज अ फाइबर. तो सिल्क क्या है? फाइबर. तो इसमें आ जाएगा नेचुरल सिल्क. क्या है बताया था ना? कॉटन, सिल्क, ये सब क्या है? वूल. ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर. तो इसमें भरो नेचुरल. N A N U N A T U R A L N A T U R A L नेचुरल फाइबर. नायलॉन है. नायलॉन कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर. S Y N T H I T I C सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. फिर है द कवरिंग ऑफ सिल्क अराउंड द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड. मैंने बताया था ना, जो सिल्क वॉर्म है अपने चारों तरफ अपनी मुंह की लार से क्या बना देता है? एक कवर बना लेता है. उस कवर को क्या बोलते हैं? कोकून. ठीक है. तो ये आ जाएगा सी ओ सी डब्ल्यू एन. ठीक है. कोकून. फिर है वूल इज टू मेक वूलन क्लॉथ. जो वूल है वो क्या है? नीटेड, यानी बुनती है. पहले बुनती है. वूल थ्रेड होता है. वो क्या करते हैं? उसको नीटेड यानी उसकी बुनाई बुनते और फिर क्या बनेंगे? वूलन क्लॉथ की सिलाई थोड़ी होती है. उसको फिर बुनाई होती है ना. Needed. तो ये आ जाएगा N T I T W. ठीक है. Needed. K N I. फिर सिल्क वॉर्म फीड ऑन. जो सिल्क वॉर्म है वो कहाँ रहता है? कहाँ क्या खाता है? ये देखो मलबरी लीव्स. मैंने बताया था ना कल, पिक्चर दिखाई थी ना, एक लीफ थी. तो उस लीफ के ऊपर क्या बैठा था? सिल्क वॉर्म बैठा था. तो वो जो लीफ है वो किसकी थी? कौन सी लीफ बोलते हैं उसको? है मलबरी लीव्स. मलबरी ठीक है. ये देखो दिख रहा है? यस यस. ये जो सिल्क वॉर्म, इस कीड़े को तो बोलते हैं सिल्क वॉर्म. इसको हिंदी में बोलते हैं रेशमी कीड़ा.
इसके मुंह से जो लार निकलती है ना, लार से क्या बनता है? कवर। कवर थ्रेड, सिल्क। ठीक है, थ्रेड बनता है। बताया था ना मैंने। और ये जो लीव है ये किसकी है? कौन सी लीव बोलते हैं इसको? कौन सी लीव बोलते हैं? सिल्क तो मल्टी लीव। ठीक है, आ गए समझ में? यस मैम। तो आपको अपनी नोटबुक मैंने भेज दिया है, आपको करना भी है। अगले वीक में आपकी एग्जाम है। ठीक है, अगले वीक में आपकी एग्जाम होगी, इसलिए जो मैं करवा रही हूँ। क्या मैम? मैम कैसे? मैम एग्जाम कैसे होगी? मैम स्कूल आना पड़ेगा क्या? नहीं, स्कूल नहीं आना पड़ेगा, वही आपको पेपर सेंड कर देंगे और वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखना भी खुद ही पड़ेगा। क्या मैम? सारा लिखना भी खुद ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am.